चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ईद के पहले रोज़ शाम में कराची में और अंदरून सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कल सुबह लाहौर, इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह में भी बारिश हो सकती है। समा से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। कराची में देखिए दिन में तो इतना कोई खास इम्कान कल भी नहीं है, आज भी रात में चांसेस होंगे कहीं बूंदाबांदी और कहीं 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 पर हल्की बारिश, इसी तरह से कल शाम बूंदाबांदी कहीं पर और कहीं पर हल्की बारिश, फिर रात में ज्यादा इम्कान है। आज कुछ इलाकों में इम्कान है, ईस्टर्न सिंध में खासकर दरमियानी किसी जगह पर हल्की और किसी जगह पर तेज इम्कान है बारिश का। बलोचिस्तान की मशरकी और शुमाल मशरकी अजला जो है वहाँ पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश चल रही होगी। कल सुबह लाहौर और गिरदनवा का जो क्या ऊपर इस्लामाबाद वगैरह वो इम्कान है कि कल सुबह वहाँ भी हल्की हल्की बारिश कहीं पर दरमियानी इस तरह का स्पेल हो सकता है। डेरा गाजी खान हो गया, नीचे मुल्तान हो गया, बहावलपुर साइड उधर भी इम्कान है। पाकिस्तान के मशरकी और शुमाल मशरकी अजला जो है वहाँ पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश चल रही होगी। कल सुबह लाहौर और गिरदनवा का जो इलाका है ऊपर इस्लामाबाद वगैरह वो इम्कान है कि कल सुबह वहाँ भी हल्की हल्की बारिश कहीं पर दरमियानी इस तरह का स्पेल हो सकता है। डेरा गाजी खान हो गया, नीचे मुल्तान हो गया, बहावलपुर साइड उधर भी इम्कान है।